Assalamu alaikum, you are watching Sir Wasim Language Club and this is Wasim here. So, how are you guys? I hope that you must be fine. So, let's move on and let's start our video today. So guys, आज की वीडियो एक अहम वीडियो है आपकी स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से. Because guys, आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं आपकी स्पीकिंग के हवाले से. You know, normally हमारे पास लोगों की जो है छोटी सी कंप्लेंट होती है कि जो है हमारे पास स्पीकिंग करने के लिए एनवायरनमेंट नहीं होता, या हमारे पास चांसेस नहीं होते, या हमारे पास कोई लोग नहीं होते, या जो चैनल से देखकर हमारी इंग्लिश को सीख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कम्युनिकेशन के लिए लोग नहीं हैं. तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने लिए स्पोकन पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं. तो गाइस, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और फिर आगे देखें कि हम आपको मज़ीद क्या बताते हैं. और चैनल के एंड तक आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी जिससे आपको स्पीकिंग घर पर बैठकर करना भी आसान हो जाएगा. आपको कहीं जाने की, लोगों से मिलने की, कहीं किसी के साथ गैदरिंग्स की या कोई क्लब्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद ही अपने घर बैठे आराम से अपने लिए लैंग्वेज पार्टनर्स देख सकेंगे. सो गाइस, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? यू नो, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा. एंड दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट नाउ देयर इज़, यू नो दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज. और आपका सेलफोन जो मोबाइल आपके हाथ में है, इसने पूरी दुनिया को आपकी इन फिंगर टिप्स पे लिया है. तो गाइस, ऐसी ही एक छोटी सी चीज़ जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है कि देखें, हमारे पास घर पर हमारे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है या कोई हमारे पास लोग नहीं है जिनसे हम इंग्लिश बोल सके, तो नो प्रॉब्लम. आज पूरी दुनिया आपका घर बन चुकी है. आप क्या कर सकते हैं, आप देखें सिंपल से काम कर सकते हैं. आप सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज, आप उसको यूज़ करें. तो सी कि आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कुछ छोटी सी सिंपल सी टिप्स तरीके जिससे आप अपनी सोशल मीडिया को यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इंटरनेशनल लोगों को अपने साथ स्पीकिंग करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं. वो किस तरीके से होगा? यू नो गाइस, फेसबुक, मेरे ख्याल है कि आप सबका अकाउंट फेसबुक पे मौजूद होता है. तो फेसबुक इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे दुनिया के लोग मौजूद होते हैं. तो फेसबुक पे एक चीज़ भी और भी मौजूद है, और वो है कि फेसबुक पे लोगों के पास लोगों के पेजेस मौजूद होते हैं. आप डिफरेंट लोग जो है बिजनेस भी कर रहे हैं उन पेजेस पर, मगर इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं. तो अभी काम कर सकते हैं कि आप जाएँ अपने फेसबुक पे, सर्च बार में आप लिखें कि इंग्लिश लैंग्वेज पेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज पेजेस. ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे तो डेफिनेटली आपके सामने कई पेजेस आएंगे, कई ऑप्शंस आपके सामने आएंगे. तो अभी काम करें, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें. उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आपको हर ग्रुप के अंदर किसी में 8,000, किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 30,000 इतने लोग मिलेंगे, इतने मेम्बर्स मिलेंगे हर ग्रुप के अंदर. तो अब क्या करें कि आप उसमें जाके एक पोस्ट लगा दें कि भाई आई वॉन्ट अ स्पीकिंग पार्टनर, I want to improve my English. Anybody here who want to speak with me? बस आप ये पोस्ट लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे कॉमेंट्स आएंगे. और उन कॉमेंट्स में से अब आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी बंदे को सिलेक्ट करें, उसे मैसेंजर पर बातचीत करें, उसे वॉइस मैसेज करें, उसे वीडियो चैट करें, उसे वॉइस चैट करें. तो इस तरीके से आप क्या करें, आप अपनी जो ना इंटरनेशनल लोगों से बातचीत करना शुरू करें. अब देखिए, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको, उसमें आपको बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा कि आपके पास वैरायटी जो लोगों की होगी वो बेइंतहा होगी. आप बातचीत शुरू करें, दो चार दिन बातचीत करके देखें, अगर आपको वो जो सामने वाला आपका पार्टनर है वो समझ में आता है तो दैट्स गुड, कीप ऑन, राइट. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, अब मुझे जो एक रिक्वायरमेंट है मेरी लैंग्वेज की वो मुझ तक वो नहीं आ पा रही, तो आप एक काम करें, फिर आप चेंज कर दें, किसी और से बातचीत शुरू करें, किसी और से चैट करें. तो आपका असल मकसद आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट है. तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को देखते रहें, और जो भी फिर आपको राइट चॉइस आपकी मिले, जो आपको आपसे थोड़ा सा बेहतर स्पीकिंग में हो, जो आप कोई कुछ सिखा सके या जिसके साथ बोलकर आप कुछ सीख सके, आप उसके साथ फिर अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करें. और गाइस, इसी तरीके से आप घर बैठे आराम से इत्मीनान से बस पार्टनर्स ढूंढ लें और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दे जाए. तो गाइस,
ये है वो छोटा सा तरीका, और इस छोटे से तरीके को आप अडॉप्ट करें, ओके, और इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और साथ में हम हैं आपके मौजूद, हम डेफिनेटली आपको असिस्ट करते रहेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, कैसे आपने अपने सेंटेंसेस को बोलना है, ठीक है। उन तमाम चीज़ों के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, और आपकी स्पीकिंग पार्टनर्स के लिए एक और टिप आज आपको मिल रही है। तो गाइस, फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का, और जल्द से जल्द अपने आप को कनेक्ट करें इंटरनेशनल लोगों के साथ, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो आज हम आपको अपनी यही ख़त्म करते हैं। सो गाइस, दैट्स इट, और keep watching Servo Seam Language Club, and see you in the next video.